हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत। मैं आज आपको दिखाने जा रही हूँ मंगलूर बंस। आपको इसके लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो बताती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। सुबह सुबह के नाश्ते के लिए आप बना के खा सकते हैं। पहले आपको एक बनाना चाहिए। ये बड़ा वाला बनाना लिया है मैंने। बड़ा नहीं है तो छोटे दो बनाने लीजिए। ये है 6 टीस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल। ये है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये है 2 टीस्पून बेसन। ये है 2 कप्स मैदा। ये है 1/4 कप दही। ये है जीरा 1/2 टीस्पून और हलद 1/4 टीस्पून। और आपको चाहिए सॉल्ट। ये कैसे मिक्स करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, अभी एक बाउल में आप बनाना ऐसे हाथ से स्मैश कर लीजिए। आप इसका प्यूरे भी बना के ले सकते हैं मिक्सर में। इसे अच्छी तरह से स्मैश कर लीजिए। फिर इसमें आपको दही लेना है। फिर हड़द और जीरा जो मैंने बताया था वो डालिए। फिर से एक बार ऐसे मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें थोड़ा सा चिमट भर मीट सॉल्ट ले लीजिए। ये थोड़ा टेस्ट के लिए डालना है आपको। फिर आपको बेकिंग सोडा जो मैंने बताया था वो लीजिए। फिर ऐसे मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें कुकिंग ऑयल 6 स्पून लेने के लिए बोला था, उसमें से 3 स्पून ले लीजिए अभी। और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। फिर इसमें बेसन डाल दीजिए। फ्रेंड्स, अभी 2 टेबलस्पून शुगर लेना है आपको। शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। मैं आपको ये बताना भूल गई थी। अभी इसमें अभी आपको शुगर डालना है। आपको कितना मीठा चाहिए उतना देख के डाल दीजिए। बनाना फुल पका हुआ तो थोड़ा शुगर कम ले लीजिए। अगर बनाना उतना पका नहीं है तो शुगर ज़्यादा ले लीजिए। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अभी फ्रेंड्स, ये सब मिक्स करने के बाद ऐसे दिखेगा। अभी थोड़ा थोड़ा करके मैदा ले लीजिए और मिक्स करते जाइए। जो मैंने 2 कप बोला था वो डाल दीजिए। अगर आपको ये चपाती के जैसा बैटर बनाना है, अगर चप ये अभी मिक्स कर लीजिए। अभी मैंने 2 कप मैदा बोला था वो डाल दीजिए। फिर भी आपको चाहिए तो और थोड़ा डाल दीजिए मैदा। ये कैसे होना चाहिए, मतलब आपको चपाती जैसा बैटर बनाना चाहिए आपको। अभी बैटर बैटर ऐसे बनेगा, चपाती के डो जैसा बनेगा। मुझे अभी इसमें करेक्ट 3 कप्स मैदा मैंने इसमें ऐड किया है। आप देख के डाल दीजिए। इससे ज़्यादा घट भी मत बनाइए, इतना रहना चाहिए।
करेक्ट चपाती के डो जैसा। इसमें अभी थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। ऐसे मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। और बचा हुआ तेल भी ऐड कर लीजिए। ऐसे करके अभी ये ऐसे करके ऊपर थोड़ा सा ऐसे तेल लगा के ओवरनाइट फर्मेंटेशन के लिए डो को रख दीजिए। ओवरनाइट रखने के बाद आपका बंस का डो ऐसे लगता है। फिर इसके छोटे छोटे एक बार ऐसे मिक्स कर लीजिए हाथ से फिर से। फिर इसके छोटे छोटे आप लोइया बना लीजिए, बॉल्स। पूरी से भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, आप कितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा साइज बना सकते हैं। ऐसे राउंड बॉल्स बना लीजिए। फिर आपको ये कैसे तलते हैं वो बताती हूँ। अभी ये गोला राउंड बॉल ले लीजिए और ऐसे पूरी से भी थोड़ा ज़्यादा बेलना है आपको। साइज कितना भी चाहिए आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। फ्रेंड्स अभी इतना ज़्यादा रखिए, पूरी से भी ज़्यादा चाहिए। अभी इसको तेल में, गरम तेल में ऐसे डाल लीजिए और उसके ऊपर ऐसे तेल छिड़किए और धीमी आंच में तलिए। बड़ी आंच बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो ऊपर से अच्छी तरह पकेगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा आपका बंस। तेल डालने के बाद आपका बंस ऐसे फूलेगा। फिर ऐसे उल्टा कर लीजिए, इसे लाइट ब्राउन होने तक तल लीजिए। ऐसे दिखेगा आपका बंस। फ्रेंड्स अभी बंस तलने के बाद ऐसे दिखता है, ये अच्छी तरह फूला है। इसे आप कोकोनट चटनी के साथ खा सकते हैं। ये मंगलोर में बहुत ही फेमस है, आप रोज सुबह नाश्ते के लिए बना के भी खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है, इसमें बनाना डलता है इसलिए बहुत ही हेल्दी है, और बच्चे तो ऐसे ही खा सकते हैं, खा जाते हैं। इसे मैं अभी कट करके बताती हूँ कितना सॉफ्ट बना है आपका बंस, देखिए। और कितना अच्छा फूला है अंदर, ऐसे दिखता है बंस अंदर, और बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामत्स वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। Thank you.